अब तक तीन विधायकों ने कांग्रेस का छोड़ा साथ, मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी की कितनी बड़ी ताकत। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 230 में से कांग्रेस ने 66 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने 163 सीटों पर जीत दर्ज कर मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई में सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं, एक के बाद एक विधायक बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। दल बदल से मध्य प्रदेश की जनता भी हैरान है। दल बदल कानून के तहत बीजेपी का दामन थाम रहे विधायकों की विधायकी भी खतरे में आ सकती है। बावजूद इसके खतरे को नजरअंदाज कर तीन विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव भारी पड़ रहा है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में 230 में से कांग्रेस ने 166 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक निर्दलीय विधायक चुनाव जीत कर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पटकनी दे दी। बीजेपी ने 163 सीट पर जीत दर्ज कर मध्य प्रदेश में फिर सरकार बना ली। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को लगातार झटके मिल रहे हैं। पहले कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी ने सेंधमारी की। अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। इसके बाद 6 बार कांग्रेस से विधायक रहे रामनिवास रावत ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में दल बदल कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा की नई तस्वीर। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर आए तीन विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास पहले 66 विधायक थे, लेकिन अब तीन ने किनारा कर लिया है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का पक्ष रखने और विपक्ष की भूमिका निभाने वाले विधायकों की संख्या घटकर 63 रह गई है। दूसरी तरफ विधानसभा में बीजेपी और मजबूत हो गई है। 163 के बाद तीन और विधायक बीजेपी की ताकत विधानसभा में बढ़ाने वाले हैं। कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल का कहना है कि जूनियर और सीनियर सभी नेताओं ने कांग्रेस के प्रति नाराजगी है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में बुरी हालत होने वाली है। उन्होंने कहा कि निर्मला सप्रे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसके अलावा 3 और 6 बार के विधायकों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मुकेश नायक दल बदल करने वाले नेताओं पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़ने वाले नेता केवल व्यक्तिगत कारणों से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में भी बीजेपी कांग्रेस युक्त नजर आएगी। लोकसभा चुनाव में जनता बीजेपी का हिसाब किताब पूरा करेगी।